नमस्कार। आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। बहड़िया में शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट ब्लॉक मैदान में आज आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन करने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे गरीब हॉस्पिटल के संरक्षक डॉक्टर अशरफ अली, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, एमके केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर तनवीर अहमद इत्यादि। देखिए ये सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन के बहड़िया ग्राउंड से एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। शाहनवाज साहब, आप आए हैं बहड़िया मैच का उद्घाटन करने, क्या कुछ कहेंगे? माइक। खेल की भावना का विकास के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, इसके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। खेल की भावना जितनी विकसित होगी, लोगों की फिटनेस बढ़ेगी और आगे उसमें करियर भी बना सकते हैं। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूँगा कि लोकल जो टैलेंट है उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। देखिए जो दर्शक हैं वो बहुत अच्छा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ के लोकल हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लड़के ज़्यादा खेलें, उनका ज़्यादा विकास हो। इसके साथ साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाए। जी, जैसे हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो जो टैलेंट है हमारे लोकल खिलाड़ियों में उसके विकास के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है कि इसके बाद उसमें हमारी तरफ से भी जो सहयोग लेना है लीजिए, कि खिलाड़ियों के विकास के लिए वो और अच्छा खेल सकें, जो लोकल टैलेंट है वो आगे बढ़ सके, इसके लिए हम सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है। उस दिन मैंने नहीं पूछ पाया था, आखिर आपके जब आप खेल खेलते थे वॉलीबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट या क्रिकेट में था? आपके जमाने में कौन सा खेल में आप इंटरेस्ट रखते थे? मैं वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल एज ए एमेच्योर सब चीज़ें खेलता था। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान होने की वजह से बहुत प्रोफेशनली हम लोग नहीं खेल पाए, खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन अपने प्रोफेशन में अच्छा करने की कोशिश करते हैं और खिलाड़ी जहाँ भी है उनका प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं। खेलने की भावना, फिजिकल फिटनेस और ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि लोकल बच्चों को मौका दिया जाए खेलने के लिए, ट्रेनिंग दिया जाए, क्या कुछ करेंगे आप लोकल के डॉक्टर यहाँ के? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक चीज़ देखने से होता है। जी, हमारे इस ग्राउंड में हम सबसे पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के और अंजय साहब, डब्लू खान, इन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो हमारे इस बढ़रिया ब्लॉक फील्ड में आज तक वॉलीबॉल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, आज वॉलीबॉल खेल का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। बाहर की टीमें आ रही हैं, इतने दर्शक बेकरारी से देखने के लिए एकदम उत्सुक हैं, बेकरार हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात पता चलता है कि अगर उनके अंदर देखने की ये बेकरारी है तो खेलने और सीखने की भी बेकरारी होगी। हर एक चीज़ देखने और जानने के बाद उसको करने की इच्छा जाहिर होती है, इंसान उसको करता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज अपने इस बढ़रिया ब्लॉक के मैदान में पहली दफ़ा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आयोजन किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत दिलो जान से खेलेंगे और हमारे दर्शक पूरे दिल से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए अपने तालियों से और मज़ा लेते हुए इस खेल को देखेंगे और अच्छा करेंगे। बहुत सारे गाँव में बच्चे खेलते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है आगे खेलने के लिए। अगर हमारे इस बढ़रिया ब्लॉक में खेल का आयोजन होने लगा तो हम कल को उन्हें भी मौका देंगे इस बढ़रिया ब्लॉक में आकर खेलने के लिए। हमारी कमेटी, ये कमेटी जो है उन्हें प्रोत्साहित करेगी, आगे उत्साहित करेगी, बढ़ावा देगी, वो आने वाले दिन में बढ़रिया ब्लॉक में खेलेंगे, स्टेट फील्ड में खेलेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आज बड़े बड़े गेस्ट आए हैं और काफ़ी अच्छा आप टूर्नामेंट का आगाज़ किए हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब, डॉक्टर अशरफ अली, डॉक्टर फैसल महमूद साहब और हमारे बहुत सारे गेस्ट जो यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को जो यहाँ पे कीमती समय निकाल कर यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि बहड़िया में भी बहुत सारे लोग हैं जो वॉलीबॉल को काफ़ी पसंद करते हैं और ये उनकी पसंद ही है, ये उनकी एक्साइटमेंट है जो हमें ये दर्शा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखिए ये मेरा पहला अनुभव है, बहड़िया ब्लॉक मैदान में कभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने यह निर्णय लिया, मैं और मेरी कमेटी, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, हम सारे लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराएं और सारे लोगों ने मिलकर यह प्रयास किया और देखिए आज वो वक्त आ चुका है जो आज वॉलीबॉल ग्राउंड में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और इतने सारे दर्शकों के बीच में उपस्थित हैं। अगर
अगर इन तमाम लोगों की अगर दुआएं हमें मिलेगी तो इंशाल्लाह यह टूर्नामेंट जो है अब लगातार हर साल चलता रहेगा। और मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक हैं यहां पे वो हमें अपने दुआओं से नवाजे और हम उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे दर्शक आए हैं देखने के लिए, बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन आपका ये मैच कराने का उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो एक पेशे से टीचर हूँ, मेरी अपनी संस्थान है, कोचिंग चलता है, मेरा स्कूल चलता है, इसके पीछे किसी तरह का कोई ना राजनीतिक इशू है ना किसी तरह का कोई चीज़ है। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैंने यह निर्णय किया कि खेल जो है यह तमाम चीज़ों से हटकर है, खेल एकता को, यूनिटी को बढ़ाता है। अगर हम इस तरह के खेल का आयोजन करते हैं तो हमारे युवाओं के अंदर एक जोश होगा, लगन होगा, जुनून होगा, और वो अपनी काबिलियत को, अपने जुनून को, अपनी जज्बा को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि आज जो है हमारा मुल्क जो है खेल के मामले में काफ़ी आगे है। आप देखते हैं कि एक छोटा से घर से निकला हुआ एक आदमी और पूरी दुनिया में अपने नाम को फैला देता है, ठीक उसी तरह आज जिस तरह के मैच जो हो रहे हैं, हो सकता है कि बढ़िया ब्लॉक मैदान से कोई ऐसा लड़का यहाँ से उभर कर निकले जो अपनी नाम, अपनी शोहरत पूरी दुनिया में फैला दे। बस यही मकसद है कि हम लोगों के प्रयास से अगर हमारा कोई भी यहाँ का बहड़िया का कोई हमारा भाई, हमारा कोई जो भी हमारे दोस्त अगर अपने नाम को अगर रोशन करते हैं तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे टीम के लिए खुशनसीबी की बात होगी। आपका परिचय? जी, मैं औरंगजेब खान, चड़किया स्टडी सेंटर और MS क्रिएटिव स्कूल के डायरेक्टर। चलिए, क्या कुछ कहेंगे शॉर्ट में बताएं। आज हमारे बीच डॉक्टर शहनवाज साहब, डॉक्टर अशरफ अली साहब, डॉक्टर फैसल महमूद साहब, इन तमाम डॉक्टर की टीम आ करके हमारी इतनी हौसला बढ़ा दी है कि इस बार ही नहीं, हर बार हम लोग इस टूर्नामेंट को बरकरार रखेंगे और युवाओं के हित में इस टूर्नामेंट को चलाते रहेंगे। हमारा परिचय, जन अधिकार पार्टी जिला उपाध्यक्ष शहजाद खान। क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? मैं ये कहूँगा, बहुत खुशी की बात हुई है कि हमारे बड़िया प्रखंड में फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर को तहे दिल से शुक्रिया और बधाई करता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये कहता हूँ ये टूर्नामेंट वॉलीबॉल हमेशा चलता रहे और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया।